हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे वो कुछ पुलिट लोग सिस्टम के ऊपर कुछ नुमेरिकल कर रहे थे। ओके, चलिए इसके आगे क्या करते हैं, पर देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ग्लोब रखा हुआ है जिसका मास मान लीजिए m1 है, ठीक। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, इससे एक स्प्रिंग जा रही है और इस पुली से आती हुई इधर एक मास और लटका हुआ है m, ठीक है। हमने कहा ऑल सरफेस आर स्मूथ, सभी सरफेस स्मूथ है, ठीक। और इसको मैं बना दूं साफ साफ, देखिए एक सेकंड। अच्छा, ये एक इंक्लाइंड प्लेन था जिसके जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर रखा हुआ है m1 मास और दूसरी तरफ स्ट्रिंग से लटका हुआ है m2 मास, ठीक है। ऑल सरफेस आर स्मूथ। मैंने कहा अगर ये सिस्टम रेस्ट में है, अगर ये सिस्टम रेस्ट में है तो अब आपको बताना है कि स्ट्रिंग में कितनी टेंशन या प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बता दीजिए, ये कितना इंक्लिनेशन है। क्वेश्चन क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि स्मूथ है, उससे उस पे m1 मास रखा हुआ है, उसे स्ट्रिंग से एक m2 मास लटकाया गया है, ठीक है। अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है, अगर ये ना इधर फिसल रहा है ना इधर फिसल रहा है, अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है तो बताइए ये एंगल कितना चाहिए इंक्लिनेशन। ओके, अच्छा देखो, अगर m1 बराबर m2 होता मान लीजिए, तब तो ये पुली ऐसे होती तो m1 इधर लटकाते और m2 इधर लटकाते, तब बैलेंस होते अगर m1 बराबर m2 होता तो ना। पर यहाँ पे एक प्लेन तो ऐसे रखा होगा, दूसरा ऐसे टेढ़ा रखा होगा, है ना। अच्छा जी, तो अब इक्विलिब्रियम में होने के लिए m1 और m2 बराबर नहीं हो सकते ना। आपसे पूछा गया कि बताइए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है कि ये दोनों रेस्ट में हो जाए। चलिए करते हैं, देखिए कैसे करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो सिस्टम तो रेस्ट में है, तो इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ये m2 मास है, इसके नीचे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा m2g और ऊपर जो लगेगा वो स्ट्रिंग की वजह से लगेगी टेंशन t और t, और इधर भी टेंशन t और इधर भी टेंशन t, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर ये इक्विलिब्रियम मैंने कहा कि रेस्ट में है, कैसा है, पूरा सिस्टम ही रेस्ट में, कुछ भी नहीं चल रहा, तो रेस्ट में इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी टी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, m2g इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इस बॉडी की एफबीडी देखूं तो ये कुछ इस प्लेन के ऊपर ये बॉडी ये रखी हुई है, इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा होगा m1g, ठीक है। मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है। अच्छा, एक क्या लग रहा होगा इस पे अलोंग द प्लेन टेंशन, और एक क्या लग रहा होगा इस ग्लोब पे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बोलो लग रहा होगा, कितने फोर्स लग रहे हैं, और ये भी इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इक्विलिब्रियम में तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाओ, एक इधर और एक इधर, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर कंपोनेंट आएगा m1g cos थीटा और इधर आएगा m1g sin थीटा, बोलो सही है। अगर ये रेस्ट में है तो ये और ये कंपोनेंट बराबर होने चाहिए और ये कंपोनेंट भी बराबर होने चाहिए, तभी तो रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब जो नॉर्मल की वैल्यू है वो तो कितनी होनी चाहिए आपकी, m1g cos थीटा, और जो टेंशन की वैल्यू होनी चाहिए इधर से वो होनी चाहिए m1g sin थीटा, इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। इसके दो ये चलेगा तो इसी डायरेक्शन में चलेगा, तो सभी फोर्स को इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड कर लो, परपेंडिकुलर में नहीं चल रहा तो ये फोर्स तो हमेशा बराबर होंगे, और फिलहाल इस केस में तो इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा तो ये फोर्स भी बराबर होंगे, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब आपने बैलेंस किया तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अगर आप 3 और 1 से देखें तो टेंशन की वैल्यू 1 से यहां रख दीजिए m2g और इधर रख दीजिए भाई m1g sin थीटा, बोलो सही है। तो जी से जी कैंसिल हो गया, तो जो साइन थीटा की वैल्यू जो आपके पास आई वो आ गई आपके पास m2/m1। दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इतना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, बोलो बात समझ भाई। ये हो गया साइन थीटा पे, तो कोस थीटा भी निकाल सकते हो, कोस थीटा की वैल्यू यहां पे रख दीजिए तो आप चाहो तो नॉर्मल भी निकाल पाओगे। ओके चलिए जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, इसका मास है एन, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक यहां रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एन, इससे एक स्ट्रिंग बांध दी और एक पुली के थ्रू एक दूसरा मास यहां रखा दिया गया, ये भी है स्मॉल एन का, ठीक है, ये मास रखा दिया, ठीक है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, सभी सरफेस स्मूथ है, स्मूथ है तो वही जो ये नीचे की तरफ फिसलेगा तो ये इधर भागेगा आगे की तरफ, है ना। अच्छा, मैंने कहा यहां पे कितना फोर्स लगाऊं कि ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, यानी यहाँ की ही रुक जाए, ये भी यहीं की ही रुक जाए, ये भी यहीं की ही रुक जाए, मैंने कितना फोर्स एक्ट यहाँ पे अप्लाई किया जाए इस बिगर ब्लॉक पे कि दीज टू ब्लॉक्स कम्स एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, इस बिगर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये दोनों कैसे आ जाए रेस्ट में। चलिए मान लीजिए मैंने एफ फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लगा दिया एफ, एफ लगाते हुए ये रेस्ट में आ गए इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, यानी ये नहीं चल रहे, अगर ये नहीं चल रहे तो क्या ये पूरा एक सिस्टम बन गया? यस सर, अगर ये पूरा एक सिस्टम बन गया यानी इधर जिस भी इन दोनों ये दोनों इसके चिपके हुए हैं चल ही नहीं रहे, तो इस सिस्टम का जो एक्सीलरेशन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा एक्सीलरेशन, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास इस सिस्टम का कितना हो जाएगा एन प्लस टू एन, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, इतना एक्सीलरेशन इस पूरे सिस्टम का आएगा। चलिए अब मैं सिर्फ पूछा गया फोर्स की वैल्यू, है ना, चलो अब देखिए मान लीजिए इस पे एफ फोर्स लगाया, तो अगर मैं देखूं कि इस स्ट्रिंग में इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन और इधर टेंशन, अच्छा इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा भाई स्मॉल एम जी, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक के ऊपर एक तो जो ये एम मास है इस पे एक तो नॉर्मल लग रहा होगा इस कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से, ठीक है, एक एम जी लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक स्ट्रिंग की वजह से ऊपर लग रहा होगा टेंशन, ठीक है। अच्छा, ये इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, यानी ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, हाँ ये पूरा ही सिस्टम इधर तो चल रहा है ए एक्सीलरेशन से, पूरा सिस्टम तो ये ब्लॉक भी ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है, तो ये अगर यहां से कंपेयर करूं तो इस डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना है नॉर्मल, ठीक है, और इस इक्वल टू एफ इक्वल टू कितना होगा एम में इस ब्लॉक का मास ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये तो आगे नॉर्मल, और अगर इस डायरेक्शन की बात करूं तो मोशन ही नहीं हो रहा, इस डायरेक्शन की बात करूं तो यानी टी की वैल्यू कितनी आएगी भाई एम जी हो जाएगी। अच्छा, इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक के ऊपर देखो भैया एक नॉर्मल तो इधर लग रहा होगा मान लो एन वन, और एक लग रही होगी टेंशन, और एक लग रहा होगा इधर एम जी इस छोटे वाले ब्लॉक के, है ना, तो देखो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में तो एन वन की वैल्यू कितनी आएगी एन वन की वैल्यू एम जी, और ये ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में किस एक्सीलरेशन से चल रहा है, पूरा सिस्टम ही ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो ये भी इधर ए से चल रहा होगा, यानी यहां से देखो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आएगा वो है टी, और टी की वैल्यू कितनी आएगी मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अगर आप कंपेयर करें, अगर आप कंपेयर करें तो देखो यहां से टी की वैल्यू एम में यहां रख दो तो एम से एम कट जाएगा, यानी आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी जी, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, यानी अगर ये सिस्टम जी एक्सीलरेशन से चला तो ये दोनों इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में कैसे आ जाएंगे रेस्ट में आ जाएंगे, ये वैल्यू आप ध्यान रखो, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैपिटल एम प्लस टू एम इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है जी, अगर आप इस बिगर ब्लॉक पे इतना फोर्स लगा देंगे तो ये दोनों रेस्ट में आ जाएंगे, है ना। देखो वापस से समझिए, मान लीजिए एफ फोर्स लगाया तो ये दोनों रेस्ट में आ गए बिगर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, यानी समझ लो ये यहीं पे चिपके हुए हैं, पूरा एक सिस्टम बन गया जिसका टोटल मास हो गया कैपिटल एन प्लस एम प्लस एन टू एन, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे कितना लग रहा है एफ, टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में अपॉन टोटल मास, ये आ गया पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन, यानी ये ब्लॉक भी ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है, ये भी ए से और ये भी ए से, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन आ गया। अब इसका एफबीडी बना लीजिए, इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे, तो भैया टेंशन, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, और एक इस कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से लॉ, ठीक है। अच्छा, ये ब्लॉक चल इधर है, इधर ही ऊपर नीचे जा रही है, रेस्ट पे है, तो इधर चल रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो एम की वैल्यू तो एम है, और इस डायरेक्शन में अगर आप बैलेंस करेंगे तो टी की वैल्यू आ गई एम की। अगर आप इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो इस नीचे एम जी लगेगा, ऊपर एक नया नॉर्मल हो जाएगा एन वन, और इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग की टेंशन लगेगी टी। अच्छा, जब स्ट्रिंग की टेंशन इस डायरेक्शन में टी है
और ये ग्लोब चल भी इस डायरेक्शन में रहा है ए एक्सेलरेशन से, यानी टी की वैल्यू कितनी आएगी भाई एम में। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई जी आ जाएगी। यहाँ पे रख दीजिए ए की जगह जी, तो ये पूरी टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, फोर्स आएगा एफ इक्वल टू एम प्लस टू एम इंटू जी, ये आपके पास क्या आ गया है फोर्स आ गया है। बोलो ठीक है, समझ में आया। चलिए जी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने सिंपली आपसे बोला कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्लेन है ठीक है, ये एंगल मान लीजिए 53 डिग्री है, ये एंगल मान लीजिए 37 डिग्री है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहां पे भी एक ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक 1 kg के हैं, ये 1 kg का और ये भी 1 kg का, जिनको एक स्ट्रिंग से मैंने इधर यू कनेक्ट कर दिया है ठीक है, ये दोनों 1 kg के ब्लॉक हैं ओके। अच्छा जी अब ऐसा कि बताओ ये सिस्टम जो ये 53 पे है ये 37 डिग्री पे है ना, एक एक ब्लॉक एक ब्लॉक है हाँ। तो भाई सिस्टम कैसे चलेगा, ऑल सरफेस आर स्मूथ, सभी सरफेस स्मूथ है, तो भाई ये सिस्टम या तो इधर फिसलेगा या इधर फिसलेगा या नहीं भी फिसलेगा हाँ। तो आपको बताना है कि अगर ये सिस्टम चलेगा तो किस डायरेक्शन में चलेगा और इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, किस डायरेक्शन में चलेगा और एक्सीलरेशन कितना आएगा। दूसरा आपको बताना है इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी डेवलप होगी, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी डेवलप होगी। चलो सिंपली सी बात करते हैं, देखो इसके ऊपर भाई एक फोर्स भाई एम जी 37 लिख देता हूं, इस पे फोर्स mg, mg वैल्यू 10 और इस पे भैया एक फोर्स नीचे mg और इसकी वैल्यू भी 10 और ये एंगल है भैया आपका 53 ठीक है। अच्छा ये अगर ये ब्लॉक चले तो चलेंगे तो इंक्लिनेशन क्या होगी, तो सभी फोर्स एक कंपोनेंट कर लो, देखो इधर स्ट्रिंग में क्या लगेगी टेंशन 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 और टेंशन, ऐसे हो गई। अच्छा जी एक इस पे लगेगा भैया नॉर्मल इस डायरेक्शन में ठीक है, मान लीजिए एन वन कहते हैं इसको। अब टेन के दो कंपोनेंट कर लो, एक तो परपेंडिकुलर टू सरफेस और एक अलोंग द सरफेस, तो जो परपेंडिकुलर टू सरफेस करोगे तो कितना आएगा एम जी कोस थीटा है ना, और कोस 53 वैल्यू होती है 3/5, यानी ये कंपोनेंट आपका आएगा 6 और ये कंपोनेंट आपका कितना आएगा 8। देखो मैं वापस से यहां थोड़ा साफ बना देता हूं इस डायग्राम को, ये एंगल है 53, ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे इधर क्या लगेगी बेटा टेंशन लगेगी और टोटल फोर्स कितना हो गया एम जी इधर लगेगा, यानी एम की वैल्यू 1 जी की वैल्यू 10 न्यूटन ठीक है। अच्छा जी और नॉर्मल लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर, ये एम वन हो गया। अच्छा इस फोर्स के दो कंपोनेंट करें, एक अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस ठीक है। अच्छा अब आप गौर से देखिए कि अगर ये वाला एंगल 53 है तो जो ये वाला एंगल होगा वो 37 होगा, देखिए 53 हो गया तो 90 माइनस 53 ये कितना हो गया 37 और ये 37 हो गया तो ये कितना हो गया भैया 53। तो इधर इस जो टेन फोर्स लग रहा है एमजी इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा टेन कोस 53 और बेटा कोस 53 की वैल्यू होती है 3/5, सोल्व कर लेना 6 आ जाएगा। ऐसे इसका इधर जब कंपोनेंट लाओगे तो ये आएगा टेन साइन 53 और साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है वही 4/5, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा 8। ऐसे इसके कंपोनेंट लाओगे तो यहाँ पे सरफेस पे एक तो लगेगा भाई नॉर्मल इन सरफेस के कॉन्टेक्ट की वजह से, बाकी इसके दो कंपोनेंट करोगे एक इधर करोगे और एक इधर ठीक है। अब देखो ये एंगल 37 है तो ये एंगल होगा 53 और ये कितना होगा 37, तो इधर आएगा cos 37 यानी ये कंपोनेंट आएगा 8 और ये कंपोनेंट आएगा आपका 6, ये आने वाले हैं। चलिए भाई अब कंपेयर करते हैं भाई, सबसे पहले इस ब्लॉक की अगर बात करूं इस वाले ब्लॉक की, तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, स्लाइड करेगा तो इसी डायरेक्शन में करेगा वरना करेगा ही नहीं है ना, तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, यानी एन वन की वैल्यू तो कितनी आ गई भैया 6 न्यूटन, यानी ये फोर्स नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए 0। ऐसे ये ब्लॉक भी चलेगा तो इधर ही चलेगा, इधर तो चल नहीं सकता, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी एम टू की वैल्यू भी कितनी आ गई भैया आपके पास 8 न्यूटन। इस डायरेक्शन को आपने बैलेंस कर लिया, इसमें आपने इस डायरेक्शन को बैलेंस कर लिया ठीक है। अच्छा अब बचा हुआ अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो ये कुछ ऐसा डायग्राम है, ये 53 ये 37
ये राइट अपन ने बैलेंस कर लिए, इधर वाले ब्लॉक पे इधर एक फोर्स लग रहा है 8 और इधर वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है इधर 6 और ये स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो ये किधर फोर्स ज्यादा है, इधर फोर्स 6 लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है 8, तो इधर फोर्स ज्यादा है तो यानी सिस्टम पहली बात तो इधर चलेगा। पूरे सिस्टम का एक्सप्रेशन देखो, इसको मैं ये समझ लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं 8 और उधर लगा रहा हूं 6, तो ज्यादा फोर्स इधर लग रहा है तो ये सिस्टम इधर चलेगा पहली बात। यानी ये वाला ब्लॉक भागेगा इधर और ये फोर्स ज्यादा है इसलिए ये वाला ब्लॉक भागेगा इधर। क्या कंस्ट्रेंट मोशन से मैं बोल सकता हूं दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा? यस सर, क्योंकि फिक्स्ड पुली है, जितना एक्सीलरेशन इसका उतना ही एक्सीलरेशन इसका। चलो अब इस डायरेक्शन में बैलेंसिंग करते हैं। देखो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इस पे कितना है सर जी, इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे 8 न्यूटन नीचे की तरफ माइनस टी ऊपर की तरफ, ये टेंशन लग रही ना, इज इक्वल टू एम ए, एम इसका कितना 1 और ए हो गया इसका एक्सीलरेशन। ऐसे इस ब्लॉक के पास टूटी ब्लॉक किधर भाग रहा है ऊपर, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है टी, नीचे की तरफ स्पेस डायरेक्शन में कितना है 6 इज इक्वल टू इसका एम इनटू ए। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 बराबर और ए प्लस ए कितना हो गया 2a, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यानी ये पूरा जो ये दोनों ब्लॉक हैं ये इस डायरेक्शन में चलेंगे ए एक्सप्रेशन से और ए की वैल्यू आने वाली है 1। ठीक है, एक में 6 गया 2, यहां पे ये a होगा 2a हो गया, 2a बराबर 2, a की वैल्यू 1। अब a की वैल्यू कहीं पे रख दो, इसमें रख दो, चलो देखो t माइनस 6 बराबर a, a की वैल्यू कितनी 1, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 7, कितनी आ गई 7 न्यूटन। ये डबल इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। सबसे पहले आप देखो mg के दो कंपोनेंट कर लो, अराउंड द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस आता है वो तो हमेशा बैलेंस होना चाहिए तो नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, और जो अलोंग द सरफेस आता है अब वो देख लो ब्लॉक किधर चल रहा है, अगर इधर ज्यादा फोर्स है तो इधर चलेगा, इधर ज्यादा फोर्स है तो इधर चलने वाला है, अब ये ब्लॉक किधर चलने वाला है इधर चलने वाला है। तो दोनों के लिए इक्वेशन लिखो इस डायरेक्शन की 8 माइनस टी बराबर एम ए और इधर ये इधर चल रहा है तो टी माइनस 6 बराबर एम ए, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपके पास टेंशन भी आ जाएगी और आपके पास एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। चलिए और देखिए, ठीक है, चलिए एक छोटी सी और बताता हूं मैं आपको, वेट मीटर में, ठीक है, मान लीजिए ये कोई बैलेंस है जिसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है, मान लीजिए आदमी का मास जो है एम है, ठीक है। अच्छा तो अगर इस मैन की बात करूं तो इसके ऊपर एक फोर्स तो लगेगा भैया एम जी जो अर्थ लगाएगी, और एक लगेगा इन दोनों के कॉन्टेक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर ये नॉर्मल इसके ऊपर इधर है तो इसके ऊपर किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा, बोलो सही है, दोनों चीजों पर नॉर्मल लगेगा ना, ये जो ये मैन खड़ा है वेइंग मशीन पे, ये क्या है आपकी वेइंग मशीन है, अच्छा जी, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस हो गया तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगते हैं ना, और ऐसे लगते हैं दोनों सरफेस को सेपरेट करना चाहेंगे, यानी इस बॉडी पे इधर और इस बॉडी पे इधर लगा। अच्छा अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो जो ये आदमी है ये वाला, इसके ऊपर एक तो लग रहा है ऊपर नॉर्मल और एक नीचे लग रहा है भैया एमजी, कितना लग रहा है एमजी। तो अगर आपने देखा हो तो क्योंकि मोशन तो कुछ हो नहीं रही, चुपचाप उसके ऊपर रेस्ट पे तो खड़ा है ना, रेस्ट में तो है, तो एम की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा एमजी। अगर इधर ही मैं वेइंग मशीन की बात करूं तो वेइंग मशीन के ऊपर देखो एक ही फोर्स आ रहा है नॉर्मल, अरे ये एमजी देखो लगा मैंने लाइन इधर बना दी, पर ये लग तो इस आदमी पे मास है ना, तो आप तो इस आदमी को खींच रही है। अच्छा इस सरफेस पे नॉर्मल ये लगा और इस पे नॉर्मल ये लगा, ठीक है, तो जो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इसके ऊपर तो एक नॉर्मल फोर्स आ रहा है ड्यू टू कॉन्टेक्ट ऑफ दिस पर्सन, है ना। अच्छा जी, तो जो वेइंग मशीन पे आया लोड वो कितना आया नॉर्मल के बराबर, तो जो वो वेट मेजर करके देगी आपको वो किसके बराबर करके देगी भाई, नॉर्मल के बराबर, क्योंकि उसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो नॉर्मल के बराबर ही आ रहा है। अच्छा जी, और एम की वैल्यू किसके बराबर है एमजी के बराबर, यानी वो आपको कितना वेट मेजर करके देगी एमजी। अगर कोई एम मास का आदमी रेस्ट पोजिशन में किसी वेइंग मशीन पे खड़ा हो जाए तो उसका जो मशीन जो वेट शो करेगी वो करेगी एमजी, ठीक है। अच्छा पर ये कहानी थोड़ी सी बदल जाती है अगर ये रेस्ट में नहीं हो, ठीक है, क्योंकि वेइंग मशीन तो आपको क्या मेजर करके देगी भैया, नॉर्मल मेजर,
वेग मशीन पे तो 1 किलो लग रहा है ना, नॉर्मल लग रहा है। अच्छा नॉर्मल लग रहा है इसके ऊपर, ये नॉर्मल मेजर करके देगी तो नॉर्मल की वैल्यू जब ये रेस्ट में है तो एमजी के बराबर आ रहा है। इसका एक्चुअल वेट कितना है, एक्चुअल वेट अगर मैं देखूं तो एक्चुअल वेट कितना है एमजी, और वेग मशीन ने कितना मेजर करके दिया एमजी। तो देखो ये होता है आपका एक्चुअल वेट और ये होता है अपेरेंट वेट। एक्चुअल वेट तो एमजी है और वेइंग मशीन कितना मेजर कर रही है एमजी, यानी वेइंग मशीन एक्यूरेट वेट मेजर करेगी। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है ना, जब अगर ये लिफ्ट अगर जैसे मान लो वेइंग मशीन है ये किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम में रखी है तब ऐसा नहीं होता है। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये कोई वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये खड़ा हुआ है, एम मास है इसका, ठीक है, और ये लिफ्ट में है और लिफ्ट मान लो ऊपर की तरफ जा रही है, ए एक्सीलरेशन से इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है ए। चलो भाई एफबीडी करते हैं, जो ये आदमी है एम मास का, इसके ऊपर एक फोर्स तो भाई अर्थ तो अपना लगेगी एम जी, और एक भैया नॉर्मल तो लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस के कारण, और दोनों फोर्स लगने के बाद ये जो पूरी लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है तो ये आदमी भी ए से जा रहा होगा, पूरा सिस्टम ए से ऊपर जा रहा है तो ये आदमी किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ ए एक्सीलरेशन से, बोलो सही है। वेइंग मशीन का एफबीडी बनाओ, तो वेइंग मशीन के ऊपर भैया इसके ऊपर ऊपर नॉर्मल लग रहा है, इसके ऊपर किधर लग रहा है भाई, नीचे की तरफ नॉर्मल लग रहा है, बोलो सही है। अच्छा जी इधर से अगर मैं देखूं वैल्यू तो एन माइनस mg is equal to ma, तो n की वैल्यू कितनी आई mg plus a log, और ये नॉर्मल किसके ऊपर पड़ेगा भाई वेइंग मशीन पे, तो वेइंग मशीन कितना मेजर करके देगी भैया mg plus a। तो अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है a एक्सीलरेशन से, तो जो मेजर्ड वैल्यू होती है वेट की वो आती है m g plus a। यहाँ पे एक्चुअल वेट तो भी आदमी का mg है पर ये मशीन मुझे कितना मेजर करके देगी mg plus a। तो अब सिंपल सिंपल से कुछ बातें करते हैं, देखो अपवर्ड मोशन के बारे में, ठीक है। अच्छा पहला वेट मेजरमेंट में when lift is moving upward, तो जो वेट आया अभी अभी आपने निकाला था वो वेट मेजर करके देगी आपको एम जी प्लस ए, जहां पे ए होगा एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये लिफ्ट का एक्सीलरेशन होगा। अब मैं इसके अंदर पहला केस मान लो लिफ्ट अपवर्ड जा रही है बाकी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, किधर जा रही है भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो भैया एक्सीलरेशन कितना होगा जीरो, तो जो वेट है वो कितना आएगा एम जी, एक के लिए तो कितनी आ गई जीरो। तो लिफ्ट ऊपर देखो लिफ्ट अगर ऊपर मूव कर रही है तो जो वेट मेजरमेंट आएगा वो आएगा एम जी प्लस ए, अगर एक के लिए जीरो है ऊपर तो जा रही है यानी वेलोसिटी तो है ऊपर की तरफ पर एक्सीलरेशन नहीं है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऊपर जा रही है तो जो वेट मेजरमेंट आएगा वो आएगा आपका mg, और एक्चुअल वेट भी कितना होता है आपका mg। तो एक्यूरेट रीडिंग पढ़ते ना वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है ना घटा हुआ महसूस होता है। दूसरा केस अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है ऊपर जाएगी केस है, और मान लो इसका एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेटेड का मतलब एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव है, और एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव हुआ तो वेट कितना आएगा mg प्लस ma, mg प्लस ma, तो मुझे इतना वेट एक्स्ट्रा महसूस होगा। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और एक्सीलरेटेड मोशन है तो भैया वेट बढ़ा हुआ नजर आता है, क्या नजर आता है इंक्रीज हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा तीसरा केस कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो पर डीएक्सीलरेशन हो यानी रिटार्डेशन, मतलब डीएक्सीलरेशन मतलब अगर ऊपर जाते हुए स्पीड घट रही हो तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो जो वेट मेजरमेंट है वो कितना आएगा mg माइनस ma, अगर ए नेगेटिव हो गया तो वेट मुझे कैसा नजर आएगा mg एक्चुअल होता है उसमें से कुछ घटा हुआ तो मुझे वेट कम महसूस होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है
भाई लिफ्ट ऊपर जा रही है, बताओ आपको वेट बढ़ा हुआ महसूस होगा या घटा हुआ या उतना ही, भाई कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है ऊपर जा कैसे रही है। ऊपर अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो वेट ना बढ़ा हुआ महसूस होगा ना घटा हुआ, जितना है उतना महसूस होगा। अगर ऊपर पॉजिटिव एक्सीलरेशन से जा रही है वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेट बढ़ा हुआ महसूस होगा, और ऊपर ही जा रही है पर वेलोसिटी घट रही है डीएक्सीलरेशन हो रहा है तो वेट घटा हुआ महसूस होता है। तो देखो ऊपर जाना और नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट उतना उतना भी मेजर कर सकती है वेइंग मशीन, उससे कम भी मेजर कर सकती है और उससे ज्यादा भी मेजर कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन ऊपर जा कैसी रही है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सीलरेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन से। ओके अच्छा अब दूसरी बात, जब लिफ्ट नीचे आ रही हो, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट है, ये वेइंग मशीन है, इस पर कोई ये आदमी खड़ा है, ठीक है, तो वही बात, अगर ये नीचे आ रही है ए एक्सीलरेशन से तो इसके ऊपर देखो, अगर मैन का फ्री बॉडी डायग्राम ना हो तो mg नीचे और नॉर्मल ऊपर और ये चल रही है इधर लिफ्ट, तो जो वेट मेजर करके देगी डाउनवर्ड मोशन में तो कितना मेजर करके या डाउनवर्ड मोशन हो रही है, तो देखो यानी mg इक्वेशन हो गया से mg माइनस n नेट फोर्स हो गया इसके ऊपर नीचे चल रही है ज्यादा है, तो mg माइनस n इज इक्वल टू कितना होगा भैया, ma नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, ये तो सेकंड लॉ था, f इज इक्वल टू ma, f टोटल कितना है इसके ऊपर दो फोर्स है तो टोटल कितना हो गया mg माइनस n, तो mg वैल्यू जो आई वो कितनी आई mg माइनस n। तो जब लिफ्ट नीचे चलती है डाउनवर्ड मोशन, सेकंड पार्ट डाउनवर्ड मोशन, तो डाउनवर्ड मोशन के अंदर जो वेग महसूस होता है जो यानी मेरे को जो मेजर करके देगी वेइंग मशीन वो मेजर करके देगी mg माइनस a। अब इसमें वही तीनों केस, सबसे पहला कि अगर लिफ्ट डाउनवर्ड चल रही है पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो, तो मेजर वैल्यू बिकम्स mg यानी मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम होंगी। दूसरा केस, चल नीचे रही है और एक्सीलरेशन इसका पॉजिटिव आ रहा है ना, नीचे की तरफ जा रही है वेलोसिटी बढ़ रही है ना, नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, एक्सीलरेटेड मोशन कर रही है, तो डब्ल्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी mg माइनस ma, तो भैया मुझे वेट कैसा महसूस होगा कम, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो mg माइनस ma तो मुझे वेट कैसा महसूस होगा कम। और अगर तीसरा केस कि ये जा तो डाउनवर्ड ही रही है पर a की वैल्यू नेगेटिव है यानी स्पीड घट रही है नीचे जाते टाइम, तो जो वेट महसूस होगा वो कितना होगा mg, यहाँ पे माइनस एयर होगी तो प्लस ही हो जाएगा क्या, तो प्लस का ma, तो मुझे वेट कैसा महसूस होगा बढ़ा हुआ। तो ऊपर जाते टाइम भी वेट एक्चुअल वेट के बराबर भी मेजर हो सकता है, ज्यादा भी कम भी, ऐसे डाउनवर्ड जब आएगा तो वेट ज्यादा भी महसूस हो सकता है कम भी, और जितना है उतना भी महसूस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है। तो सिंपली वैसे याद करते मैंने कि लिफ्ट ऊपर जाती है तो वेट इंक्रीज महसूस होता है, नीचे आती है तो डिक्रीज महसूस होता है, नहीं उनके साथ कंडीशन है ना, ऊपर जा रही है तो वेट बढ़ा हुआ कम महसूस होगा, जब एक्सीलरेटेड मोशन होगी डीएक्सीलरेटेड होगी तो भैया घटा हुआ ही महसूस होगा है ना, और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर लिफ्ट के अंदर कोई आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा है लिफ्ट के अंदर और अगर उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है यानी वो कॉन्स्टेंट स्पीड चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे तो उसका जो मेजर्ड वेट है और एक्चुअल वेट दोनों बराबर आएंगे अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो। अब बात आ जाओ एक्सीलरेटेड, अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो मेजर वैल्यू अलग होगी, तो एक्सीलरेटेड अगर मोशन है तो ऊपर जा रही है तो वेट बढ़ा हुआ, नीचे आ रही है तो वेट घटा हुआ, और तीसरा हुआ डीएक्सीलरेटेड मोशन, डीएक्सीलरेटेड मोशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो वेट कम होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वेट बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसे ये लिफ्ट की मेजरिंग वैल्यू है ना, लिफ्ट के अंदर कोई वेइंग मशीन रखे तब कैसे कैसे वेट मेजर करते हैं, कब वेट बढ़ा हुआ लगता है और कब वेट घटा हुआ लगता है। ओके जी, और देखिए अब हमने एग्जाम्पल ऑफ सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी, यही तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वेलोसिटी है v, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया एम वी। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे हाथ लगा के रोका, अगर मैंने इसको ये रोक ही दिया तो ये मास टाइम रहेगा, वेलोसिटी कितनी होगी जीरो, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया भैया जीरो, है ना। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया एम वी, है ना। अच्छा ये चेंज कितने टाइम में आया, देखो अगर आप इसको रोकने में ज्यादा टाइम ले लेंगे तो देखो मोमेंट फोर्स के जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मुझे इसको रोकने के लिए, मैंने मान लिया कि वी एम मास पे वी स्पीड से आ रहा था मेरे पास, मेरे को मान लीजिए रोकना है तो मैंने इसमें फोर्स लगाया इसको रोकने की कोशिश की। अब रोकने मान लीजिए टी टाइम लगा, तो देखो ये टी टाइम पे कितना लगा, इनिशियल मोमेंटम तो भी एम वी है क्योंकि वी स्पीड से आ रहा था और फाइनल मोमेंटम जीरो हो रहा है, तो यानी सभी केस में जब ये रुकेगा तो मोमेंटम में चेंज तो बराबर ही आएगा। अब ज्यादा टाइम लगेगा जिस प्रोसेस में उसमें भैया फोर्स की वैल्यू आएगी कम, और अगर टाइम कम लगा तो फोर्स चाहिएगा ज्यादा, यानी इसको मुझे यहीं कहीं आ रही यहीं कहीं रोकना है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर इसको क्या नाम है कम फोर्स लगाया तो ज्यादा टाइम लेगा ये रुकने में। ओके जब कोई भी क्रिकेट मैच में जब भी कोई भी प्लेयर जब कैच लेता है, ठीक है, तो ऐसा रहता है कि उसको अपने हाथ ही पीछे करे, कीपर कैच ले रहा है तो अपने हाथ पीछे की तरफ खींचने चाहिए। क्यों, देखो जैसे मान लीजिए बॉल आ रही है और ये मान लीजिए हैंड है, इस हैंड में मेरे को पकड़ना होगा कि यहाँ पे इसका मोमेंटम एम भी फिक्स है, ठीक है, ये कुछ हैंड है ना, हैंड मान लीजिए, ठीक है, मुझे ये पकड़ना है ना। तो देखो जैसे ये एम भी मोमेंटम से हाथ में एंटर की और ये अगर मैंने हाथों को पीछे खींच लिया, देखो फाइनली तो जैसे मैंने यहाँ पे हाथ खींच लिए तो फाइनली बॉल यहाँ पे आई, तो इनिशियल मोमेंटम बॉल का एम वी है और फाइनल मोमेंटम तो जीरो ही है, पर आपने ये जीरो होने में टाइम लगा दिया। देखो जैसे हाथ से टच हुई अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लगाया आपको जीरो होने में, क्योंकि हाथ चल रहे हैं उस टाइम तो बॉल भी चल रही है, क्योंकि बॉल तो हाथ में ही आपके, तो बॉल का मोमेंटम हाथ में पकड़ते जीरो नहीं हुआ, आपने हाथ को जितने टाइम में आप हैंड को आपने पीछे की डायरेक्शन में खींचा इतनी देर देखो बॉल यहाँ पे एम भी मोमेंटम था, उसके बाद आप हाथ चला रहे हो तो बॉल भी चल रही है तो मोमेंटम कम होता 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 यहाँ पे आके जीरो हो गया। तो बेटा टाइम ज्यादा हो जाता है, मोमेंटम चेंज होने में टाइम ज्यादा हो जाता है, इसलिए हाथ में फोर्स कम लगता है, इसलिए कहते हैं कैच लेते टाइम हाथ को पीछे कर लेना चाहिए। अगर आप यहीं कहीं बॉल को एकदम यूं पकड़ लेंगे यहीं कहीं तो देखो मोमेंटम इंस्टेंटेनियसली एकदम जीरो हो जाएगा, एम वी था हाथ मोशन कर लीजिए आपने यूं भी बॉल कर ली तो सेम मोमेंटम चेंज हुआ एम वी से जीरो, पर इस बार टाइम कम लगा तो भाई आपके हाथ पे जो है फोर्स ज्यादा लगेगा ना, तो चोट लगने की संभावना होती है। इसलिए कभी भी कोई क्रिकेटर या कोई प्लेयर जब कैच लेता है तो अपने हाथ पीछे की तरफ करता है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सेकेंड एग्जाम्पल की बात कि अगर कोई आदमी कॉन्क्रीट की सड़क पे गिर जाए और एक आदमी गिर जाए, मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी है ना या सॉफ्ट सरफेस है कोई भी उस पर गिर जाए तो यहाँ पे चोट ज्यादा लगती है, वहां पे चोट कम लगती है क्योंकि जब ये गिर रहा होगा, ठीक है, और एक इस पे गिर रहा होगा तो देखो ये सॉफ्ट सरफेस है, ये गिरते ही क्या ये सरफेस जब मान लीजिए मिट्टी है तो क्या आपकी बॉडी थोड़ी सी मिट्टी के अंदर चली जाएगी। देखो आप एम वी मोमेंटम से गिरे और आपका जीरो होने में कुछ टाइम लगा है क्योंकि गिरने के बाद आप थोड़ी देर और ट्रेवल किए हो, यहाँ तो भैया गिरते ही आगे तो मोशन कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे एम वी मोमेंटम से गिरोगे गिरते ही भैया मोमेंटम जीरो, तो जो टाइम की वैल्यू होती है मोमेंटम चेंज होने में वो बहुत कम होती है। यहाँ पे मोमेंटम तो वही चेंज हुआ है, एम वी से जीरो ही हुआ है, पर क्या जितनी देर तक मान लीजिए कोई जैसे आपका ये गद्दा टाइप का है ना, तो जैसे गद्दे में गिरे तो क्या गद्दा भी नीचे की तरफ दबा, यस सर, तो मोमेंटम चेंज जैसे गद्दे को टच हुआ था उसके बाद उसने मोशन किया जितनी देर गद्दा नीचे दबा है, तो मोमेंटम को सेम चेंज होने में टाइम ज्यादा लग गया, तो टाइम ज्यादा लग गया तो भैया यहाँ पे ये फोर्स कम लगाएगा, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम रहेगा, इसलिए अगर ऐसे रोड के ऊपर कोई गिर जाता है जो सॉफ्ट सरफेस पे गिरता है तो चोट कम आती है, उसके लिए कॉन्क्रीट सरफेस पे अगर गिर गया तो आपके पास जाने वाली है आपके पर ज्यादा चोट आने वाली है। ओके
चलिए जी, सेकंड लॉ के एग्जांपल थे। ओके, तो जितना मोमेंटम चेंज में जितना टाइम कम होगा उतना ज्यादा फोर्स लगने लग जाता है ना। सिंपल से मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कोई खास बात नहीं है ना। अच्छा जी, और देखिए जैसे मैंने आपको बोला, कई बार क्या होता है कि बहुत हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई होता है। हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई होता है ना। अच्छा, ऐसे फोर्स कहलाते हैं इंपल्सिव फोर्स। कैसे कहलाते हैं? इंपल्सिव फोर्स। जैसे मान लीजिए दो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी फुल स्पीड से आ गई दोनों, और टकरा के जब दोनों की स्पीड जीरो होगी, मतलब मोमेंटम दोनों जीरो होगी, रुकी दोनों गाड़ी टकरा के ना, तो क्या दोनों के मोमेंटम में लार्ज चेंज हुआ है ना, और टाइम कितना लगा है? बहुत कम लगा है। तो मोमेंटम में चेंज लार्ज है और टाइम लगा है बहुत कम लगा है, तो भाई फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा, है ना। इतने हाई फोर्स, ये फोर्स इतने कम टाइम के लिए लगा है कि इसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। भाई गाड़ी टकराते ही रुक गई इतने कम टाइम में, इसका मोमेंटम भी पहले मान लो P1 था, इसका P2 था, तो इसका भी जीरो हो गया, इसका भी जीरो हो गया, मोमेंटम तो दोनों का जीरो हो गया, है ना, और बहुत कम टाइम में हो गया, टकराते ही हो गया, है ना। तो मुझे एक तो बात समझ आई, इतना हाई मोमेंटम को इसने चेंज कर दिया है बहुत कम टाइम में, तो भाई फोर्स की वैल्यू तो बहुत लार्ज है, पर इस फोर्स की वैल्यू को मेजर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम है टक्कर का, है ना। तो ऐसे केस में अपन ऐसे फोर्स जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगते हैं और जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, ऐसे फोर्स को बोला जाता है इंपल्सिव फोर्स। क्या बोला जाता है? इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो जैसा कि मैं जानता हूं F इज्वल टू dP बाई dt होता है, तो मैं लिख सकता हूं F dt इज्वल टू dP। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो F dt का इंटीग्रेशन इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम या P final minus P initial। इस टर्म को बताता है इंपल्स। इंपल्स मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो अपने पास अब इंपल्स निकालने के दो तरीके आ गए। इंपल्स क्या हुआ? आई की वैल्यू कितनी हो गई? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पहले। दूसरा आई आप कैसे निकाल सकते हो? F dt के इंटीग्रेशन से। ठीक है, अच्छा F dt का इंटीग्रेशन क्या बताएगा आपको? एरिया अंडर F t कर्व। यानी अगर फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया ले लिया जाए, फोर्स टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का अगर एरिया लिया जाए, तो वो आपको क्या बताएगा? इंपल्स। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। ये छोटा सा सवाल भी आता रहता है, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स। तो इंपल्स की जो यूनिट होगी, इंपल्स की वो कितनी होगी भैया? चेंज इन मोमेंटम है तो जो इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट और इनके चेंज की यूनिट भी यही, यानी इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम की यूनिट सेम होती है, ये होती है kg m/s। ये इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। और ये एफटी ग्राफ का एरिया से निकाली जा सकती है। ओके, चलिए आप यहां तक का आज कीजिए, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। इंपल्सिव फोर्स के ऊपर कुछ एग्जांपल कराएंगे, उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन रूल पढ़ेंगे और फिर न्यूटन थर्ड लॉ, फिर चैप्टर खत्म। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।